साथियों आज सुबह मैं यहाँ आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है मुलायम सिंह यादव जी उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे बेबी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद कुछ सलाह के दो शब्द वो आज भी मेरी अमानत है और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था कोई लाग लगे के बिना कहा था राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था उन्होंने कहा था मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे जब भी मौका मिला उनके आशीर्वाद मिलते रहे मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भाव भीनी श्रद्धांजलि देता हूं मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे